हेलो दोस्तों, एक बार से मेरे यूट्यूब चैनल केजेटेक हिंदी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज जिस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ वो है कि आरआरबी ग्रुप डी का रिजल्ट जो एक महीने पहले आया था उसकी नॉर्मलाइजेशन के बाद, याद रखना, नॉर्मलाइजेशन के बाद उसका रिजल्ट क्या होगा, उसकी कट ऑफ क्या होगी, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ आज। उसकी कट ऑफ बताने वाला हूँ, याद रखना, किसी एक जोन के लिए नहीं बता रहा, सभी जोन्स की बात कर रहा हूँ मैं। सभी जोन्स की यहाँ कट ऑफ बताऊँगा, एकदम सटीक बताऊँगा, मतलब कि एक या दो नंबर आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई उतना तो कोई एक्यूरेट हो नहीं सकता, लेकिन मैं इतना एनालिसिस करने के बाद में जो आज मैं आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूँ वो आप ज़रूर देखिएगा, और वीडियो को अंत तक आप पूरा देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आएगा। और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आप जो भी मेरा वीडियो नहीं डालूंगा तो आप उसको देख पाएंगे, ठीक है। चलो मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको अपनी यहाँ पे लेके आ चुका हूँ जिस पेज के ऊपर मैंने कट ऑफ का सब कुछ बताया, जिस बनाया है उसमें आरआरबी जोन्स, यहाँ पे जोन्स लिखा हुआ है, यहाँ पे कितनी सीट्स है, किस जोन में कितनी सीट्स है, यहाँ पे कट ऑफ जनरल की कट ऑफ, ओबीसी कट ऑफ, एससी की कट ऑफ और एसटी कट ऑफ, यहाँ तक ऊपर देखिए। अब इसको पहले आप पूरा देखिए क्योंकि यही देखेंगे ना तभी पता चलेगा कि मैं किस किस की कट ऑफ बता रहा हूँ, कौन से जोन की कट ऑफ बता रहा हूँ। तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ अहमदाबाद की कट ऑफ बताता हूँ, अहमदाबाद की, ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हो, फटाफट में बता देता हूँ। अहमदाबाद में टोटल सीट थी 6,087, तो उसके अंदर कट ऑफ बता रहे हैं 68 to 70 बता रहे हैं, और ओबीसी की 68 to 70 बता रहे हैं, और 64 64 से 68 के बीच में बता रहे हैं, और 58 एससी की 58 से 62 के बीच में, और एसटी की 54 से 58 के, मैंने एक एवरेज बता दिया है कि उनके बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर उतने में आपका मार्क्स आ रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपके पास लास्ट 20 दिन होंगे क्योंकि रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद 10 या 15 दिन बाद में आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो वो बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे अजमेर की कट ऑफ देख सकते हैं, इलाहाबाद की कट ऑफ देख सकते हैं, बेंगलोर की कट ऑफ देख सकते हैं, भोपाल की कट ऑफ देख सकते हैं, भुवनेश्वर की कट ऑफ देख सकते हैं, बिलासपुर की देख सकते हैं, चंडीगढ़ की देख सकते हैं, चेन्नई की देख सकते हैं, गोरखपुर की देख सकते हैं, और सभी मैं कट ऑफ में बता देता हूँ मैं आपको एक बार। जी हाँ सत्य, यहाँ पे हम पहुँच चुके थे, यहाँ पे देखिए चंडीगढ़ की देख सकते हैं, चेन्नई भी देख सकते हैं, गोरखपुर भी देख सकते हैं, गुवाहाटी भी देख सकते हैं, कोलकाता, मुंबई, पटना, सब की यहाँ पे कट ऑफ दी गई है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम आउट कर दे जूम इन कर देता हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे यूट्यूब चैनल को वीडियो को लाइक के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये जो कट ऑफ बताई है मैंने काफ़ी अच्छी एनालिसिस के बारे में बताई है। अगर मैं एक एक कट ऑफ बताऊँगा तो आपको टाइम बहुत लग जाएगा कि मैं किस किस के बारे में, कौन कौन सी कट ऑफ कितनी बताऊँगा। तो मेरा तो ये कहने का मतलब ये है कि जितनी भी मैंने कट ऑफ बताई है, आप एक काम कीजिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में जो जितने भी जोन्स हैं अपने, उनकी आप अपने जिस जोन से भरे उसके कट ऑफ देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो सिकंदराबाद तक, रांची, पटना, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी, गोरखपुर, चेन्नई, चंडीगढ़, बिलासपुर, भुवनेश्वर, भोपाल, और भी यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे, बेंगलोर, इलाहाबाद, अजमेर, अहमदाबाद, मैंने सब के बारे में बता दिया, सारी सीट्स के बारे में। तो मेरा वीडियो आप लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी इशू आपके नंबर की तैयारी एक बार मेरे कमेंट पे पूछिएगा, और आपने मुझे कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू व्यूअर्स।